दिल्ली में त्योहारों के बाद बढ़ते प्रदूषण और बेसहारा परेशान लोगों के लिए एक शख्स मसीहा बनकर सामने आ रहा है। सोशल वर्कर सिकंदर बहल हर रोज MCCP पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में गरीबों के लिए खाना पानी कंबल मास्क हर रोज देने की मुहिम शुरू की है। सिकंदर के करीबियों के मुताबिक बचपन से ही यह गरीबों की त्योहारों में और खराब मौसम में मदद करते आ रहे हैं। यह लोग अपने अपने बीमारियों के इलाज के लिए एम्स और दिल्ली के नामी अस्पतालों के बाहर अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर है। सुबह और रात दिल्ली के एक व्यक्ति की दयालुता एक मिसाल कायम कर रही है। शहर के बेघर लोगों को वायु प्रदूषण के गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। सिकंदर बहल एक सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ अक्सर दिल्ली की सड़कों पर रहने वाले बेघर लोगों को खाने पीने मास्क और सर्दियों के कपड़े हर रोज वितरित कर रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब है, इसीलिए शहर के निवासी घर के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं और वायु शोधक का उपयोग करने जैसी सावधानियां बरत रहे हैं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो सड़कों पर निकलने को मजबूर हैं और उनके पास खतरनाक वायु प्रदूषण के गंभीर खतरों से बचने का कोई साधन नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर बेघर लोगों को वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है और उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में दिल्ली के एक शख्स की दयालुता ने सभी के लिए मिसाल कायम की है। सामाजिक कार्यकर्ता और युवा राजनेता सिकंदर बहल स्वयं सेवकों की एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो दिल्ली की सड़कों पर बेघरों को भोजन पैकेज मास्क और सर्दियों के कपड़े वितरित करते हैं। बहल अपने स्वयं सेवकों के साथ सर्दियों के मौसम में अक्सर एम्स बंगला साहिब गुरुद्वारा कनॉट प्लेस और कई अन्य क्षेत्रों के बाहर गरीब लोगों को फेस मास्क भोजन के पैकेट और कंबल वितरित करते हैं। जैसे जैसे आपको लग रहा है कि दिल्ली में सर्दी करीब आती जा रही है और पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, तो हमारी आगे की ये तैयारी है कि जैसे ही नवंबर का महीना ख़त्म होते होते दिसंबर शुरू होते होते तकरीबन 1 लाख कंबल वितरण का सिस्टम से हर जगह दिल्ली के कोने कोने जा के बांटेंगे और बंटवाएंगे अपनी टीम के साथ। आज हमने इधर क्या कहते हैं बंगला साहब के बाहर किया, हनुमान मंदिर के बाहर किया और बस यही दो जगह किया। मेरा नाम सिकंदर बहल है, मैं इंडियन यूथ कांग्रेस में महासचिव हूँ। मैं देश भर से आए मरीजों का एम्स में इलाज होता है तो उस कारण मैंने देख काफ़ी टाइम यहाँ से मेरा डेली गुजरना होता है, तो कभी हम यहाँ पे पैक्ड फूड बंटवाते हैं, कभी दूध की थैलियाँ बंटवाते हैं और आज हमने देखा कि यहाँ पे पोल्यूशन लेवल दिल्ली में बहुत हाई चल रहा है, तो उस कारण हमने आज 5 से 7 हज़ार मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया है। आगे आपकी क्या प्लानिंग है? आगे हमारी प्लानिंग है कि जैसे जैसे जो जो कोई वर्स्ट केस चीज़ें होती रहेगी तो उस सिचुएशन में क्या लगता है इसमें क्या सोल्यूशन है? पंजाब और दिल्ली के बीच राजनीति चलती रहती है कई सालों से, सरकार किसी के भी, आपको सोल्यूशन क्या लगता है? पंजाब और दिल्ली की राजनीति चलाने वाले जो केजरीवाल है उनसे दिल्ली तो संभाला जा नहीं रहा, वो अपने ही मकान में जो CM हाउस है उसमें 300 से ऊपर करोड़ का घोटाला कर चुके हैं। उसके बाद शराब घोटाला उन पर चल रहा है, CM हाउस घोटाला भी उनके लिए होना चाहिए। किस चीज़ का सोल्यूशन है आपकी? पोल्यूशन का यही है कि जो हाइब्रिड कार्स है और जो 10 साल से ज़्यादा सरकारी गाड़ियाँ भी हो या कोई पर्सनल गाड़ी हो उसको ख़त्म करवा के मतलब स्क्रैप कर देना चाहिए। और साथ में मैं ये देखता हूँ कि डीजल गाड़ियाँ है या पेट्रोल की गाड़ियाँ उनको 10 से 15 साल का समय दिया जाता है, जो हाइब्रिड गाड़ियाँ अब लोगों को सिर्फ हाइब्रिड लेनी चाहिए और उसी से पोल्यूशन लेवल दिल्ली का कम हो सकता है।